नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी निकासी उड़ान 27 फरवरी यानी आज रविवार सुबह रोमानिया के रास्ते दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिकों का स्वागत किया। जी हाँ, रविवार सुबह सुबह यूक्रेन के बुखारेस्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1942 दिल्ली पहुंची। कैप्टन अंचित यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस ले आए हैं। रोमानिया के लिए विशेष उड़ान के लिए 5 पायलट, 14 कैबिन क्रू, 3 विमान इंजीनियर और 2 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। जी हाँ, एयर इंडिया के इस विमान में चालक दल के 2 दर्जन से ज्यादा सदस्य सवार थे। विमान के पायलट इन कमान कैप्टन अंचित ने बताया कि पाकिस्तान सहित सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने विशेष निकासी मिशन में साथ दिया। रोमानिया से दिल्ली तक तेहरान के रास्ते पाकिस्तान तक सभी ATC नेटवर्क से भरपूर सहयोग मिलता रहा, जिससे निर्धारित वक्त पर सीमा में भारत पहुंच गए। अंचित भारद्वाज ने बताया कि इस मिशन में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि पाकिस्तान ने बिना कारण पूछे ही सीधा हवाई मार्ग दिया, जिससे वक्त की भी बचत हुई और ये मिशन तय वक्त में पूरा किया गया। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।